कहते हैं बच्चे कौम के ममार होते हैं, लेकिन खसूसी बच्चे इस दौड़ में क्या मुकाम रखते हैं इस बारे में कम लोग ही जानते हैं। खसूसी बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जोहर टाउन में सालाना स्पेशल चिल्ड्रन स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी बच्चों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। खसूसी बच्चों ने फेरी रेस, रिले रेस, हर्डल रेस, म्यूजिकल चेयर के अलावा वेस्टर्न गीतों पर रक्स करके शाकीन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि खसूसी बच्चे भी खेल के मैदान में किसी आम बच्चे से पीछे नहीं। असातिज़ा ने चाटी रेस में हिस्सा लेकर खसूसी बच्चों को बावर करवाया कि वो हर मुश्किल में इनका साथ देने को तैयार हैं। असातिज़ा का कहना था कि खसूसी बच्चे माशरे का अहम हिस्सा हैं और उनको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तकरीब में मुझे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, इसलिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं और इन लोगों को एक इंस्ट्रक्शन देना और उस लाइन पर रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनके अपने मूड्स होते हैं, इनकी अपने फीलिंग्स होती हैं। कभी इनका मूड बहुत अच्छा होता है, कभी इनके जो मूड होते हैं बिल्कुल ऑफ होते हैं, कभी ये घर से नाराज़ होकर आए हुए होते हैं तो यहाँ पे आके अच्छा खासा एग्रेशन निकालते हैं। लेकिन इनको सेटल करके, इनको ट्रेनिंग करवा के आज जो परफॉर्मेंस दी है वो मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। दरअसल जहनी मज़ूर बच्चों को जैसे इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटीज़ पाई जाती हैं उनको इनक्रेज करने का एक तरीका है। ये भी सोसाइटी के फाल मेम्बर हैं। अगर हम इन बच्चों को इस तरह लेंगे जैसे हम नॉर्मल बच्चों को लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये बच्चे किसी दूसरे बच्चों से कम नहीं है। ज़हनी तौर पर बेशक ये पसमानदा है लेकिन हम इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, इन्हें सोसाइटी में मूव कर सकते हैं। तकरीब के आखिर में मेहमान खसूसी मारूफ सनतकार हमायूं मुनो ने खेल में आला पोजीशन लेने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। खसूसी बच्चों ने बातचीत करते हुए कहा कि इनके असातिज़ा की मेहनत के बाइस वो आज इनामात हासिल करने में कामयाब हुए हैं। मुझे इसमें हिस्सा लेते हुए बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने नाम भी जीते और इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए ताकि बच्चों में हिस्सा लें और आगे इसी तरह अच्छे प्रोग्राम होने चाहिए। ये बहुत अच्छी तकरीब है, बच्चों को मौका मिलता है कि हम भी स्पोर्ट्स में आगे आएँ और जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनको देख कर इनका जज्बा उभरता है और ये भी उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं जैसे मैं बनाऊँ और बच्चे बने और आगे भी इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ये बनेंगे। इदारे के प्रिंसिपल ज़रीना फरख ने कहा कि ये बच्चे तालीम और खेल के मैदान में किसी भी आम बच्चे से कम नहीं। उन्होंने कहा कि इनके इदारे के चंद खसूसी बच्चे खेल के मैदान में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन, अमेरिका से गोल्ड मेडल्स जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे तो ये बच्चे माशरे का अहम फर्द बन सकते हैं। हमारे बच्चे माशाल्लाह खेल कूद के मैदान में किसी से कम नहीं। पिछले हर साल जब स्पेशल ओलंपिक्स होती हैं इन बच्चों ने वर्ल्ड में, अमेरिका में, आयरलैंड, चाइना, इंडिया सब जगहों पे हमारी टीम स्पेशल बच्चों की जाती है। इन्होंने फुटबॉल में गोल्ड मेडल लिए, इन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लिए, यहाँ तक कि 2009 में हमारा टीम गई थी चाइना, वहाँ पे हमारा एक बच्चा है बिलाल, उसने 4 गोल्ड मेडल हर उसमें इवेंट में हासिल किए हैं। खसूसी बच्चे भी माशरे का ही हिस्सा हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनकी तालीम और तरबियत पर मुनासिब तवज्जो देकर इनकी दिलजोई करे और इनके लिए सरकारी मुलाजमत के मौके फराहम करके महरूमियों का अजाला करे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ आसिम भट्ट, सिटी 42, स्पेशल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जोहर टाउन।